सबसे पहले एमएस वर्ड को खोलना सीख लेते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड खुलेगा कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है यहाँ स्टार्ट मेनू पे। प्रोजेक्टर में सबको क्लियर दिख रहा है? पीछे ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा, जाऊंगा यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, इस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आऊंगा, स्क्रॉल कर लूंगा अगर दिखाई नहीं देता है तो, लेकिन दिखाई देता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और फिर मेरे को क्या चाहिए, एमएस वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे को चाहिए। तो ये देखिए वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, और आइकन भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड खुल जाएगा। एक्सेल खोलना है तो यहीं से खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड सारे चीजें इस फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा, खुल जाएगा, ठीक। बंद कर देता हूं मैं, लेकिन फिर से यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है, यहां पे आते हैं, ठीक है, और यहां पे आता हूं, ठीक। अब यहां पे आने के बाद इस पर करूंगा मैं राइट क्लिक, राइट क्लिक किया, ये ऑप्शन आ चुका। अब ये सेंड टू ऑप्शन है, इस पे आऊंगा, माउस लाऊंगा और फिर यहाँ पे आऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे, ठीक है, क्रिएट शॉर्टकट, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, डेस्कटॉप में शॉर्टकट बन गया। अब मुझे यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाने का जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा करने का, इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से खुल जाएगा ये, ठीक है। या फिर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि मैं दबाऊंगा विंडोज प्लस आर, ठीक है, विंडोज आर दबाऊंगा तो ये रन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब रन बॉक्स खुलने के बाद क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा विन वर्ड, ठीक है, विन वर्ड लिखूंगा और कर दूंगा इंटर, फिर भी एमएस ऑफिस माने एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड नाम का एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप जब एग्जाम देंगे ऑनलाइन, ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है किस सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है winword.exe, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है, एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि यहां पे राइट क्लिक करिए, ठीक है, कहां पे, यहां पे, ठीक है, राइट क्लिक किया, यहां पे कर दिया पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, ठीक, क्लिक करूंगा, अब इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, बंद कर दिया तो यहां पे ये दिख रहा है ना, अब इस पे आप क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। माउस से नहीं क्लिक करना चाहते तो क्या करो, गिनती करो, क्या, एक दो तीन चार पाँच छ, एमएस वर्ड छठवां नंबर पे है, ठीक है, तो क्या करो, विंडोज बटन जान रहे हो ना, विंडोज और फिर सिक्स दबा दो, ये खुल जाएगा अपने आप, ठीक। अगर मुझे इसको खोलना होगा तो एक दो तीन चार, विंडोज फोर, विंडोज के साथ चौथा बटन दबा दूंगा तो खुल जाएगा, ठीक। तो ये भी एक तरीका है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, मैं तो अब एमएस वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, अब ये खुल गया, ठीक है। अब क्या करें, ये वाला, ये जो बटन है, ठीक है, इसको बोला जाता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये मैं नहीं कहता, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद कहता है, ये देखो लिखा है ना ऑफिस बटन ऊपर में, तो मेरे कह देने से कुछ नहीं होता, ठीक, इसमें जो लिखा है मैं वही कह रहा हूं। इसको बोल देते हैं फाइल मेनू कह लो आप, ठीक है, 2003 वाले में दिखाई देता है फाइल मेनू पर, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, तो यहीं से काम कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, ये इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस बार, ठीक है, ये देखो इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे लिख रहा है ना कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, तो इस सेक्शन को बोला जाता है क्विक एक्सेस बार। यहाँ पे सेव का बटन है, ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, ये सेव का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखाई देगा, ठीक है।
इसमें कुछ और बटन जोड़ना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना है इस आइकन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी सेव दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ना दिखे तो इस पे क्लिक करूंगा तो गायब हो गया, ठीक है। अब दोबारा मैं चाहता हूँ कि ले लाऊं, ठीक है, तो इस पे क्लिक करूंगा सेव पे तो आ जाएगा। पूरा मैं क्लिक कर देंगे तो पूरा दिख जाएगा, जितना जितना मैं क्लिक कर दूंगा सो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। आने के लिए तो बहुत कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है, सिर्फ मैं अभी इतने का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोर कमांड्स ये सब इसको आगे हम पढ़ेंगे, या मैं ना रहा जो रहेगा उससे पूछना, बोलेगा बताओ, ठीक। इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, जिस पे क्लिक करूंगा वो सारा वहां पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाया क्यों जाता है, क्योंकि सामने रहेगा, उस पे क्लिक कर देंगे और तुरंत हमारा काम हो जाएगा, इसलिए वहां पे लाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे चले। मैं चाहता हूं कि ये क्विक एक्सेस बार यहाँ पे आ जाए, कैसे लाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और इस पे ये वाला जो है ना इस पे कर दूंगा क्लिक, ये आ गया नीचे, और फिर इसी पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा तो चला जाएगा ऊपर, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा, ये गायब क्यों हो गया, मैं किसी और पे क्लिक कर दूंगा, ये इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। टाइटल बार, टाइटल बार किसको कहा जाता है, ये यहाँ पे जो नाम लिख रहा है ना, आप जो भी सॉफ्टवेयर खोलो, ठीक है, जहां पे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है वो टाइटल बार कहलाता है। एमएस वर्ड में यहाँ पे दिख रहा है, बाकी का कॉर्नर में दिखता है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा टाइटल बार, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये सब मेन्यूज है, मेन्यू बार, ठीक है। अब ये टैब की तरह खुल रहा है तो लोग कह देते हैं कि ये टैब भी है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी कह लो, ठीक है, आपका पर्सनल मर्जी है जी, कुछ कह लो, ठीक है। और ये सब जो है कमांड्स हैं, ठीक है, जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया ये सब आइकन दिख रहा है ना, ये सब कमांड है। कमांड माने क्या, कमांड मतलब निर्देश, निर्देश को ही कंप्यूटर के भाषा में कमांड कहा जाता है, ठीक है। कमांड सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, मैं भी सुना था, मुझे भी काफी भारी भरकम लगा था, हम तो 10 दिन तक समझ ही नहीं पाए थे कि कमांड का होता है, ठीक है। बाद में हमको समझ में आया कि हिंदी में निर्देश कहा जाता है, तब तसल्ली मिला, ठीक है। अब इस पे होम पे मैं क्लिक किया हूं, अब इस पे डबल क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा सारा कमांड। आएगा कैसे, इस पे क्लिक करूंगा थोड़े देर के लिए दिखाई देगा, फिर कहीं चला जाऊंगा तो हट जाएगा, ठीक है। फिर इस पे आया, डबल क्लिक किया तो फिर से ये शो होने लगा, वैसे ही इंसर्ट पे आऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो हाइड होगा, डबल क्लिक करूंगा तो शो होगा, ठीक है। तो किसी भी कमांड्स पे डबल क्लिक करूंगा तो शो होगा और हाइड होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट बटन भी है, बटन कंट्रोल प्लस F1 दबाओगे तो ये हाइड होगा और शो होगा, ठीक। शॉर्टकट बटन आप सबको मिल जाएगा, और नहीं आप चाहते हैं तो कॉपी में लिखते जाइए, शॉर्टकट बटन आपके जीवन को आसान बना देता है, ठीक भाई। शॉर्टकट बटन यूज करो तो सामने वाला सोचता है कि थोड़ा ज्यादा ज्ञानी है ये, ठीक है। माउस से काम करोगे ना तो लोग भाव कम देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बटन से काम करो तो लोग भाव ज्यादा देते हैं, ज्यादा भाव मिलता है, ठीक है। बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी है, तो आप चाहो तो शॉर्टकट बटन का इस्तेमाल जितना चाहे कर लो, आपका जीवन आसान हो जाएगा, ठीक। आगे चलें जी, ठीक है। इधर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, ये है हेल्प का आइकन, इस पे क्लिक करोगे तो ये हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया, अब ये हेल्प करने के लिए आ गया, मैं बोलता हूँ भाई बता दे सेव कैसे किया जाता है एमएस वर्ड को, तो लिख दिया सेव, क्लिक कर दूंगा तो ये देखो बोल रहा है सेव फाइल, सेव है, जिस पे क्लिक किया तो सेव है के बारे में लिख जाए, लिख बता रहा है पूरा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो आप हेल्प ले लो, ठीक है, ये डिलीट का है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ होगा, अब हमको अंग्रेजी आता नहीं है,
तो हम इसीलिए सेव कर दिया, नहीं तो हाउ टू वर्ड फाइल एक्सेस, अरे वर्ड फाइल सेव करें कैसे, इस ऐसा लंबा चौड़ा सेंटेंस बना के लिखना तो और भी डिटेल्स में बताएगा, मुझे इसका जरूरत नहीं पड़ता, मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ तो ठीक है। ये है कमांड बार, कमांड है यहाँ पे, ठीक है। ये है मिनिमाइज करने का बटन, ठीक है, इसको करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन, ये है क्लोज बटन, ठीक है। इसका कोई स्पेशल बटन है नहीं मेरे पास, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है कि विंडोज प्लस एम दबाओगे तो मिनिमाइज हो जाएगा सब कुछ, और फिर से एम दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर से दबाओगे तो कुछ नहीं होगा। विंडोज एम दबा दिया, सब मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब मेरे को दोबारा इसको खोलना है तो क्या करूंगा, विंडोज टैब मारूंगा तो ऐसा चलेगा, वाह क्या डिजाइन में खुल रहा है यार, मजा आ गया देख के, ठीक है, खुल गया, ये देखो, ये देख लो, जो सामने यहां पे दिखाई देगा ना वही खुलेगा, जैसे एमएस वर्ड सामने दिख रहा है तो क्लिक किया तो ये खुला, अब डेस्कटॉप सामने दिख रहा है तो इस पर क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा, ठीक है। लिनक्स में भी ये बढ़िया चलता है, ऑल्ट के साथ टैब दबाओगे ना तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये देखो सामने एरो दिख रहा है ना, या फिर कंट्रोल ऑल्ट टैब मारोगे तो ये एरो की से फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हो वैसे, ये तो बड़े काम का बटन है जी, है ना, तो ऐसे आप कर लोगे। ये जो है इसका शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल के साथ F10 दबाऊंगा तो ये काम करेगा, ठीक, कर रहा है। इसका क्या बटन है जी, एमएस वर्ड कुछ बना के हमको दिया नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया, क्या दिया, ऑल्ट प्लस F4, ठीक, दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से यहां क्लिक करके खोल लूंगा, ठीक है। अब रूलर बार, ये जो है ना एरिया, ये रूलर है, ठीक है, अभी देखो लिखना चाहूंगा तो यहां से लिखाएगा, इसको मैं चाहता हूं कि ऊपर से लिखा है तो ऐसे कर दूंगा, दाएं बाएं लेफ्ट राइट जितना मार्जिन वगैरह मैं चाहूं इससे मैं बना सकता हूं, ठीक। लेकिन मान लो ये रूलर बार दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करना, ये बटन छोटा सा दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना तो शो होगा, क्लिक करना तो हाइड होगा, ठीक है। यहां से भी कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो होम बताना होगा, पहले ये बताना होगा फिर होम फिर ये, ठीक है। ये क्या है, स्क्रोल बार, ये कौन सा स्क्रोल बार है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है मैं तो पढ़ा ही नहीं था यार कि हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं, ये देख लो, जब ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक। अरे यार जिसको जवन बोलना है बोल दो, बिल्कुल आजाद देश के आजाद नागरिक हो यार, ठीक हो, मन करे तो इसी को वर्टिकल कह दो, इसी को हॉरिजॉन्टल कह दो, ठीक है। खैर छोड़ो, यहां से स्क्रॉल आप कर सकते हो वर्टिकल, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये बटन, इस पे क्लिक करोगे तब वही स्क्रॉल होगा, हो रहा है, ठीक है, और इस पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल होगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा मैं माउस ले जाऊंगा, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा, मैं तो डर गया यार देख के, क्या करूं इतने का। ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है, और ये प्रीवियस पेज है, इसका शॉर्टकट बटन भी शो कर रहा है, क्या प्रीवियस पेज, कंट्रोल प्लस पेज अप या डाउन, ठीक है, इस पे वही शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला, इस पे मैं क्लिक करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस पे यहाँ पे देखो ये क्या है, पेज नंबर बता रहा है, ठीक। मैं थोड़ा दो चार दस पेज बना लेता हूँ, बना लिया, यहाँ पे बता रहा है कि एमएस वर्ड में टोटल पेज नंबर कितना है, और यहाँ पे बता रहा है कि ये कैवा पेज नंबर में आपका कर्सर है, ठीक। ये क्या बता रहा है, वर्ड, ये वर्ड काउंट है तो ये वर्ड बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, बता रहा है जी आप कुछ भी टाइप नहीं किए हो तो कुछ एरर नहीं है, कुछ टाइप कर दिया तो ये
एरर आ रहा है वही, ठीक है। अब टाइप करते रहोगे तो वहां पेंसिल का निशान बनेगा, और बंद कर दोगे तो कुछ नहीं है, देख लो कटम का चिन्ह आ गया है कुछ, ठीक है, ऐसा आ गया, मतलब ये टाइप हो चुका है डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, ठीक है। इस एरिया को क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ये स्टेटस बताता है, इसलिए स्टेटस बार है, ठीक है। ये क्या है जी, किस लेआउट में इसको आप देखना चाहते हो, ठीक है, ये प्रिंट लेआउट है, ये तो रीडिंग लेआउट है, क्लोज कर देता हूं, इस पे क्लिक करना नहीं, रीडिंग ये फुल स्क्रीन में रीडिंग कर रहा था, ठीक है। ये क्या है, वेब लेआउट, वेबसाइट जैसे चलता है ना उस लेआउट में देखो दिखा रहा है, ठीक है। मार्जिन वार्जिन पूरा इधर का खत्म कर दिया, अरे मार्जिन का रूलर वगैरह उधर का। और एक क्या है, आउटलाइन लेआउट, आउटलाइन लेआउट का क्या उपयोग है, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा अगर मैं रहा तो, ठीक है, जो रहेगा वो बता देगा, ठीक है। एक क्या है, ड्राफ्ट, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का शो करेगा, मेरे को मतलब नहीं है उससे, मैं इस पर आ जाऊंगा। एक क्या है जी, ये डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है या कितना जूम इन करना है या जूम आउट करना है, ठीक। तो इसके बारे में तो लगभग मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है, नहीं है, अरे भाई कुछ बोलोगे, नहीं है, आगे चले, ठीक है, शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। रीसेंट डॉक्यूमेंट में ये कुछ दिखा रहा है, जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे या खोलेंगे वो यहाँ पे दिखाई देता है रीसेंट में। आपसे हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम आप दें तो आपसे पूछा जाए कि रीसेंट में कितने डॉक्यूमेंट्स शो करता है, तो आप बेशक कह देंगे 9 डॉक्यूमेंट शो करता है, ठीक है। इधर 9 तो शो करता है, किसी में ज़्यादा भी कर देता है हायर वर्जन वगैरह में, किसी में कम भी करता है, ठीक है, लेकिन इसमें 9 शो कर देगा, ठीक है। ये पहला मेन्यू है न्यू का, इससे क्या होगा जी, इससे नया डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक कर दो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, नया डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक, बन गया ना, क्या प्रमाण है कि बन गया जी, इधर दिख रहा है डॉक्यूमेंट 2, ठीक, ये देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट 1 था, ये डॉक्यूमेंट 2 है, तो ये नया डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक। इसका कुछ शॉर्टकट बटन भी है, क्या है जी, कंट्रोल प्लस एन, ठीक, इस पे क्लिक करना, माउस थोड़े देर रखना यहाँ पे, तो दिखाना चाहिए पर दिखा नहीं रहा है कि न्यू का शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस एन है, ठीक है। यहाँ से भी आप ले लाओ, इसमें करोगे तो कंट्रोल एन बता रहा है, ठीक है, इस पे भी क्लिक करोगे तो नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ये है ओपन, ठीक है, पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बना के छोड़ दिया है, ठीक, तो आप इसको ओपन यहां से कर सकते हैं, शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस ओ है, ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस ओ है या फिर कंट्रोल F12, नहीं, हाँ यही है, कंट्रोल प्लस F12 दबाओगे तो भी ओपन खुल जाएगा, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो भी ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसका 2 शॉर्टकट बटन मिल गया हमें, ठीक। अब यहां पे भी चाहो तो इसको ले लाओ, ये देखो आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है वाइवा में या फिर ऑनलाइन एग्जाम में कि कितने तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, तो आप बता देना, एक ठो यहां से कर लेंगे जी, एक ठो यहां से हो जाएगा, एक ठो शॉर्टकट बटन से कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ओपन के बाद है सेव, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे एक तो सेव है, दूसरा सेव एज है, ठीक है। अब क्या लेना देना है सेव और सेव एज का, एक ठो बटन बना देता है एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एक बटन बना देता है, ठीक है, क्या इसका पीछे का साइंस है। तो डॉक्यूमेंट आपने नया बनाया, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट बनाए और सेव नहीं किए हो अभी, ठीक है, तो सेव नहीं किए, पहला बार मतलब सेव आप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप सेव पे क्लिक करें, एक मिनट यार, बस 2 सेकंड का मेरे को टाइम देना,
मैं कहाँ था, भूल गया। सिर्फ में था, बताया सिर्फ नहीं बताया, नहीं बताया। जैसे डॉक्यूमेंट आपने नया बनाया, ठीक, सेव नहीं किया है आपने, ठीक है, तो पहला बार सेव करेंगे, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करिए या तो इस पे क्लिक करिए, होगा काम एक ही। क्या काम होगा? सेव एज होगा, ठीक। इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, तो यहां पे देखिए सेव एज लिख रहा है ना, लेकिन मैं क्लिक तो सेव पे किया था। अब यहां पे आता हूं और इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो भी क्या लिख रहा है? सेव एज, ठीक है। तो पहला बार जब डॉक्यूमेंट हम सेव करेंगे तो सेव एज ही होगा, ठीक है। मान लो इसमें मैं कुछ लिख दिया जी, ऐसे यहां पे आया, सेव कर दिया माय डीओसी। अब यहां पे मैं लोकेशन चॉइस करूंगा, ठीक है, कि कहां पे मेरे को सेव करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप पे सेव हो, तो इस पे मैं सिलेक्ट कर लिया और यहां पे एमएस वर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। देने के बाद इसको कर दिया सेव पे क्लिक, ठीक है, और अब इसको कर दूं बंद। सेव हो चुका डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कहां गया है? ये वाला है। इस पे अब डबल क्लिक करूंगा तो भी खुल जाएगा एमएस वर्ड, ठीक है। ये देखिए यहां पे आ गया है ना। अब मैं यहां पे कुछ भी टाइप करूंगा, ठीक है, और फिर इस पे, अब इन दोनों में अंतर देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि सेव और सेव एज में अंतर बताओ, ठीक। तो अब पहले से फाइल बना बनाया है मेरा, मैंने तो फाइल ओपन किया है ना, तो अब इतना लिखने के बाद अब अगर मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? नया फाइल मेरा बन के तैयार होगा और उसमें इतना डेटा होगा, ठीक है, और जो पुराना फाइल जो मैं पहले बनाया था उसमें सिर्फ इतना ही कंटेंट होगा, एक कंटेंट नहीं होगा, ठीक। करके देखें, ठीक है, सेव एज पे आया और यहां पे क्या कर दिया? वन, ठीक है, नाम दे दिया वन और यहां पे आ गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूं। एक फाइल यहां बना है, दूसरा फाइल यहां बन गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो नए वाले फाइल में टोटल लाइन है, लेकिन मैं इसमें अगर क्लिक करूंगा ना तो इसमें इतना ही लाइन है, ठीक है। अब मैं दोनों को बंद कर देता हूं। अब जो नया बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर दिया। अब मैं इसमें कुछ और लिख देता हूं, ठीक है, और अब इस पे आता हूं। सेव एज वाला तो देख लिए ना। सेव एज क्या करता है कि नया फाइल बना के तैयार करता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? क्लिक कर दिया जी, सेव हो गया इंटरनली, ठीक है। सेव हो गया तो क्या हुआ कि जो पुराना जो फाइल था, पुराना फाइल ही है, नया कॉपी नहीं बना है, लेकिन जो कंटेंट मैंने बदला था वो देखिए है ना इसमें। मतलब क्या, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? अंतर ये है कि पहला बार अगर क्लिक करें तब तो सेव एज ही चलता है, ठीक है, लेकिन पुराने फाइल में अगर हम सेव करेंगे तो पुराने फाइल को ही सेव कर देगा नए कंटेंट के साथ। पुराना कंटेंट भी रहेगा, नया कंटेंट भी रहेगा, ठीक है, हाँ, सेव में, बस नया फाइल नहीं बनाएगा, फाइल वही रहेगा, ठीक है। इंटरनली तो उसका साइंस कुछ अलग है कि पुराने फाइल को रिप्लेस कर देता है, नया फाइल उसी नाम से सेव कर देता है, लेकिन हमें ये जान के कंफ्यूज नहीं होने का। हमें बोलना है ये कि सेव कमांड जब चलाएंगे तो पुराने फाइल में ही कंटेंट को सेव कर देता है, ठीक है, लेकिन अगर सेव एज चलता है तो क्या होता है? पुराना फाइल जस के तस रह जाता है, नया जो फाइल है उसका बन जाता है नए कंटेंट के साथ, ठीक। समझ में आया नहीं आया? आ गया। जैसे मान लीजिए ए कोई सीनियर ऑपरेटर था या जूनियर ऑपरेटर था, इतना डेटा लिखा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इतना डेटा तो मेरे काम का है ही, लेकिन इसमें मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूं, ठीक है, और लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो पुराने ऑपरेटर का बनाया हुआ फाइल था, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, बल्कि जितना इतना जो मैं फाइल बनाया हूं इसका एक नया मेरा कॉपी मेरे नाम से बन जाए, ठीक। तो यहां पे आऊंगा, सेव पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो पुराने फाइल में ही सेव हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं चाहता हूं कि जो पुराना ऑपरेटर बनाया था उसी का फॉर्मेट में मैं कुछ अपना कुछ कट पेस्ट करके अपने नाम से फाइल बना के रख लूं। तो करूंगा मैं सेव एज पे क्लिक और फिर यहां पे अपना मैं नाम लिख दूंगा कुछ भी, ठीक है, नाम लिख दिया, ठीक है, और फिर क्या करूंगा सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, पुराना ऑपरेटर आएगा तो देखेगा भाई उसका फाइल जस का तस है तो हम पे भड़केगा नहीं, ठीक है, कि जी हमारा जैसा फॉर्मेट था वैसा हमारा छोड़ दिया है, अपने काम का जो चीज था वो बना लिया है, और मेरा ये फाइल है, ये देखिए मेरा ये काम का ये जो फाइल था ये है मेरे पास, ठीक है। तो आप इस तरह से सेव और सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे कुछ इसमें एडिटिंग करना है तो मैं करके सेव पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से आके सेव हो जाएगा क्योंकि ये तो मेरा फाइल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। आगे चलें, ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेव बटन, सेव का शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल प्लस एस, ठीक। सेव एज का शॉर्टकट बटन क्या है, नहीं मालूम, कंट्रोल प्लस F12। यार मेरे को डाउट हो रहा है इस पे, तो ये कौन पढ़ा दिया, कंट्रोल प्लस F12 ना, ठीक है, देखते हैं यार मैं गलत हूँ कि सही हूँ। ओ एस के, ये क्या खुल गया, मैं तो ओ एस के खुला हूँ। ओ मैं कुछ एडिटिंग किया हूँ अपने सिस्टम में। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होगा, ओपन, ओपन हो गया ना, ये तो मैं अभी बताया था भाई, सेव एज के लिए सिर्फ और सिर्फ F12 है, ठीक। क्लिक किया, ये देखो आ गया सेव एज, ठीक है। तो कंट्रोल F12 माने सेव एज नहीं, कंट्रोल F12 मतलब ओपन, अभी तो बताया था ना मैं, बोल दो, भूल गए थे, कंफ्यूजन हो गया क्यों। तो सेव एज का शॉर्टकट बटन F12, सेव का शॉर्टकट बटन कंट्रोल एस, ओपन का शॉर्टकट बटन कंट्रोल ओ या फिर कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। न्यू का शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस एन, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, नहीं होगा, आगे चलें, ठीक है जी। अब सेव एज में मैं माउस लेके आया, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है F12, ठीक है। सेव एज में मैं जब माउस लेके आया तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुल गया, ठीक है। इसमें से हमारे काम का 1-2-3 ठो है जिसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे सेव होता है नॉर्मल सेव वैसे ही होगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये देखिए ये टेम्पलेट के रूप में सेव करेगा, इसका तो जरूरत शायद आपको पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं कभी, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आ जाता हूं, कहे कि मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा यार अभी। ये वाला क्या है, MS Word 97-2003 डॉक्यूमेंट, ठीक। क्या मतलब इसका, क्लिक कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो MS Word 2003 है, ठीक है, वो जब MS Word को सेव करता है तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, मतलब उसका एक्सटेंशन अलग होता है, मतलब उस फाइल का पहचान अलग होता है। लेकिन जो 2007 में सेव होता है या 13 में या 11 में 10 में सेव होता है, मतलब 2003 के बाद, जैसे 7 आ गया, ठीक है, तो 7 या 7 के जो हायर वर्जन है उनमें जो फाइल सेव होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन या फॉर्मेट या पहचान कह लो अलग होता है, क्या बता। 2003 में अगर आप सेव करोगे तो क्या एक्सटेंशन बनेगा, .doc, ठीक। लेकिन 2007 या हायर वर्जन में अगर आप सेव करोगे तो क्या एक्सटेंशन बनेगा, .docx, ठीक है, ठीक। अब क्या मतलब है इन दोनों का, मतलब ये है कि अगर एमएस ऑफिस 2003 में आप सेव किए हैं, मतलब इस फॉर्मेट में अगर आप सेव किए हैं, तब क्या होगा,
कि 2007 का जो एमएस ऑफिस होगा उसमें चलेगा, ठीक है, लेकिन 2007 या हायर वर्जन में सेव हुआ है फाइल, इस फॉर्मेट में अगर फाइल सेव हुआ है तो 2003 में वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्यों बता रहा हूं मैं, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप भी काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहा है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में 2007 इंस्टॉल है, ठीक है, और दूसरे के कंप्यूटर में 2003 डाला हुआ है एमएस ऑफिस, ठीक है, तो आप अगर 2007 में सेव करके अगर तीन वाले को देंगे तो तीन वाला ओपन नहीं कर पाएगा, तो आपको कहेगा कि 2003 में तुम सेव करके दो तब मैं खोल पाऊंगा अपने एमएस वर्ड में, ठीक। अब मेरे में अभी है नहीं, इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देता, ठीक, लेकिन है नहीं तो अभी मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप कहेंगे दिखाने को कभी तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो 2003 में भी अगर चलाना है आपको एमएस ऑफिस तो सेव करेंगे आप इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में सेव करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इस पे मैं क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर का सेटिंग जो है बदल लेता हूँ तो आपको और क्लियर कट समझ में आएगा। क्या सेटिंग बदलूंगा जी, यहाँ पे आऊंगा, इसमें आऊंगा, यहाँ पे हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, इसको मैं अनचेक करके कर दूंगा, ओके। कहे कि जिस एक्सटेंशन का मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सटेंशन अभी शो नहीं कर रहा था, अब शायद शो करने लगा। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए, ओह नो, काम तो करेगा नहीं जी मेरा, ऐसे क्या करूं मैं, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, शॉर्टकट बटन तो मेरा काम कर नहीं रहा है, मैंने कुछ सेटिंग करा था, मैग्नीफायर, नहीं भाई मैंने बदलाव कर दिया है कुछ अपने कंप्यूटर में कमांड और यूटिल मैन से, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाएगा अभी मेरे में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जूम मैं नहीं कर सकता भाई अभी, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना, .docx फाइल का नाम है माई डीओसी, फिर डॉट है छोटा सा, फिर उसके बाद docx है ना। अब वही मैं सेव कर दूंगा 2003 में, ठीक है, इसमें तो क्या होगा, अभी एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, देखिए .doc दिखाई दे रहा है ना, तो ये देखिए अब इसमें सब में एक्सटेंशन दिखाई देगा, ये देखिए डॉट डॉक वर्ड में क्या होगा, वर्ड में docx मतलब 2007, .doc मतलब 2003, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपको समझ में आ गया, नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं है, आपसे हो सकता है पूछा जाए कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन बताइए, तो अगर ऑप्शन में है .docx तो आप सेलेक्ट करिए, अगर एक्सटेंशन में ऑप्शन में अगर .docx के जगह पे सिर्फ .doc है तो .doc बता दीजिए कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है .doc, ठीक। वाइबा में आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। आगे चले जाइए, उसके बाद ये ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा आप लोग PDF समझते हैं, नहीं समझते PDF, नहीं समझते PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एमएस वर्ड है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको मोबाइल में भी मैं खोलूं, ठीक है, तो एमएस वर्ड का फाइल को आप मोबाइल में डाल देंगे तो जनरली नहीं खुलता, ठीक है, नहीं खुलता ये कहना गलत होगा, जनरली नहीं खुलता, ठीक है। अगर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस सूट या कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह का मोबाइल में, तो खुल जाता है एमएस वर्ड का, लेकिन फॉन्ट वगैरह का, हिंदी वगैरह का दिक्कत हो जाता है, अंग्रेजी वगैरह में दिखाने लगता है, ठीक है, तो कुछ दिक्कत होता है, ठीक है। तो क्या करना, करना ये है कि जैसे मान लो हिंदी में ही कुछ टाइप कर दिए, ठीक है, यहाँ पे आओगे मोबाइल में भी खोलना है, ठीक है, और तुम चाहते हो, ठीक है, कि एडिटिंग ना कर पाए,
ठीक है, तो मैं इस पे आऊंगा, यहां देखिए पीडीएफ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे कर दूंगा पब्लिश, इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, ये देखिए खुल गया, ठीक है। एमएस वर्ड का जो फाइल है उसको पीडीएफ में बनाना है, कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो कैसे करने का दिखा दिया मैं, ठीक है। अब पीडीएफ फाइल जो है एडिटिंग जनरली नहीं होता, ठीक है, पीडीएफ फाइल एडिटिंग होता ही नहीं ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि एडिटिंग कर देते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन साधारण तो सामान्यतः बात करूं तो पीडीएफ फाइल एडिटिंग नहीं होता। जैसे ये पीडीएफ फाइल है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कुछ एडिटिंग कोई ना कर पाए, पीडीएफ बना के दे दीजिए, नहीं कर पाएगा, लेकिन ये साधारण लोगों के लिए है, कुछ उस तरह का लोग है तो भैया वो कुछ कर लेगा, ठीक है। अब पीडीएफ फाइल जो है मोबाइल में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपका पुराना आउटडेटेड मोबाइल है तो शायद एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर मांगे, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल ओपन नहीं होता मोबाइल में तो क्या करोगे, एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। तो पीडीएफ समझ में आ गया। मोबाइल वगैरह में जैसे विज्ञापन वगैरह कुछ होता है ना, जैसे विज्ञापन में निकलता है प्रेस रिलीज वगैरह, वैकेंसी वगैरह, तो जितना अपलोड करते हैं वो सब पीडीएफ फाइल में ही अपलोड होता है, ठीक है। तो वर्ड को पीडीएफ बनाना है तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं एडिटिंग वगैरह ना कर पाए तो ऐसे कर लेंगे, पीडीएफ और एक्सपीएस वाले ऑप्शन से, ठीक है। अब बात ये है ना कि एमएस वर्ड आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, 2003 में ये सुविधा नहीं है, 2007 में ये सुविधा है, लेकिन कब, पीडीएफ और एक्सपीएस में सेव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है अलग से, ठीक है, एमएस वर्ड के साथ नहीं आता, ठीक है। आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करेंगे सेव एज पीडीएफ एंड एक्सपीएस एमएस वर्ड 2007, ठीक है, ऐसा सर्च करेंगे तो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे तो ये फीचर आप में काम करने लगेगा, आपके अगर कंप्यूटर आपके पास है तो, ठीक है। लेकिन सिर्फ एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके ये फीचर काम नहीं करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, मेरे में है तो काम कर रहा है, ठीक है। पीडीएफ के बाद आप चाहें तो एक्सपीएस में भी इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एक्सपीएस खाली कंप्यूटर में ही ओपन होता है, मोबाइल में ओपन नहीं होता, मोबाइल में ओपन नहीं होता सीधा कह देना गलत होगा, कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि मोबाइल में भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल में ओपन करना पीडीएफ को ज़्यादा आसान है, एक्सपीएस को ओपन करना थोड़ा कठिन है, ठीक है। पब्लिश कर दूंगा एक्सपीएस, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया था इसका, ठीक है, और ऑफलाइन प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अब ए एक्सपीएस है, ये भी एडिटिंग का सुविधा नहीं देता, ये डिलीट कुछ करूंगा ना इसमें तो ये नहीं होगा, आप डक चाचे नहीं नहीं नहीं, मैं कंटेंट जैसे यहाँ पे कुछ लिखा ना और एक्सपीएस में सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ ना कि डीयूसीएक्स है, इसको अब मैं हटा दूं तो ये नहीं हटेगा, ये सेव हो गया तो हो गया, ठीक है, ये हटता नहीं है। अब सीधा हटता नहीं है कहना गलत होगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं जो कि कर देते हैं, लेकिन साधारणतः सामान्यतः इंसान इसको नहीं बदल पाता, ठीक है। पीडीएफ को एडिट करने से ज़्यादा कठिन है एक्सपीएस को एडिट करना, क्योंकि पीडीएफ एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ज़्यादा आते हैं, एक्सपीएस का कम आता है, राइट, ठीक है। तो ये है एक्सपीएस, ठीक है। तो ये पीडीएफ और एक्सपीएस समझ में आ गया नहीं आया जी, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, कोई समस्या नहीं है, चलो ये वाला हो गया। अब आता है अदर फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट का मतलब ये है कि कुछ इतना सारा है, HTML में सेव करना चाहते हैं तो HTML में कर दो, PDF में सेव करना चाहते हो तो ऐसे सेव कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ना, जरूरी नहीं है कि पीडीएफ में सेव करना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक करो तब वो सेव हो, तबे सेव होगा, यहाँ सेव आ जाए ना इस पे ही क्लिक कर दो और आ जाओ इस पे, ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो पीडीएफ, पीडीएफ में सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीएस सेलेक्ट कर दो तो एक्सपीएस हो जाएगा, इधर एचटीएमएल भी है, ठीक है, एचटीएमएल में चाहो तो एचटीएमएल में सेव हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल में चाहो तो सिंपल टेक्स्ट में भी सेव हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल क्या है, रिच टेक्स्ट फाइल क्या है, XML क्या है, आगे हम पढ़ लेंगे कभी, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि सेव एज तक, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नहीं है, आगे चलो। इसके बाद आता है प्रिंटिंग, ठीक है? इसका शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस, क्या प्रमाण है जी? दबा के देख लेते हैं, कंट्रोल पी। चलिए जी, आ गया आपका प्रिंटिंग, ठीक है? इसका एक और शॉर्टकट बटन है जिसको कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट F12, ठीक? कंट्रोल प्लस F12 से ओपन होगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक? आप दबा के देखना। अब मैं थोड़ा चेंजिंग कर दिया हूँ अपने विंडोज में, इसलिए मैं आपको स्क्रीन को दिखा के नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ मैं छेड़छाड़ किया हूँ अपने विंडोज में पासवर्ड्स वगैरह के लिए, तो मैं नहीं दिखा सकता अभी, ठीक है? लेकिन बाद में दिखा दूँगा, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और कंट्रोल पी से भी डायलॉग बॉक्स प्रिंटिंग का ओपन हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी, प्रिंटिंग में रखा क्या है देख लेते हैं, क्या रखा है। इस पर क्लिक किया, आ गया। प्रिंटिंग को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू माने क्या। ये है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है? प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू आप लोग पढ़े होंगे साथ, पढ़े नहीं पढ़े? चलिए ठीक है। देखिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करके रेडी किए, ठीक है, और प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो प्रिंटिंग करने से पहले आपको ये जानना है कि प्रिंट होगा कैसा, मतलब प्रिंट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई कैसा देगा, ये आपको अगर जानना है तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आप प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखते और सीधा प्रिंट मार देते हैं और गलत निकल जाता है मार्जिन ऑर्जिन हेडर फुटर ये सब, ठीक है, तो क्या होगा, पन्ना खराब हो जाएगा। तो पन्ना खराब ना हो, हम बचत करें पन्ना का, इसलिए हम पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू, अच्छा ये तो है ही है यार, ये देख लो, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है? प्रिंटिंग करने से पहले हमको ये जानना होता है कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं, ठीक? तो प्रिंट प्रीव्यू समझ में आ गया, ठीक? चलिए, फिर ये है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट माने तुरंत से प्रिंट कर दो, ठीक है? अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कुछ लंबा चौड़ा जानकारी हमसे मांगेगा प्रिंटिंग के बारे में, ठीक है? लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रिंटिंग के बारे में कुछ लंबा चौड़ा जानकारी दूं, ठीक है? तो क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा और सीधा प्रिंटर से निकल जाएगा प्रिंट होके। आप जल्दी में है तो क्विक प्रिंट कर दीजिए, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं प्रिंट, ठीक? इस पर मैं क्लिक कर दिया जी। अब क्या होगा, क्लिक करने से होगा कुछ नहीं, प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? क्लिक कर दिया जी इस पर, ठीक है? अब एक किस चीज का लिस्ट है, ये लिस्ट है प्रिंटर सेलेक्ट करने का, ठीक? मान लीजिए आपके कंप्यूटर में दो तीन प्रिंटर लगा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, एक कलर प्रिंटर है, कुछ और प्रिंटर लगे हुए हैं कुछ अलग अलग तरह के, ठीक है, राइट? तो आपको अगर कलर प्रिंटर से प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कलर प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में कलर प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो कलर प्रिंटर का आ जाएगा नाम, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर का नाम आ जाएगा, ठीक है? जितने प्रिंटर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, ठीक है, जितना प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में, सारे प्रिंटर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक? अब आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट करना है उसका नाम आप यहाँ से क्या करना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, कि जी तुम इस प्रिंटर से प्रिंट कर दो, ठीक है? तो यहां से आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, कुछ पेज रेंज है यहाँ पे, ठीक है? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑल पेज पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने पेजेस हैं, ठीक है, सारे पेज प्रिंट कर देगा। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में अभी एक पन्ना है, मैं 100 पन्ना कर लूँ, 100 पन्ना ज़्यादा हो जाएगा, 10 पन्ना कर लूँ। चलिए जी 10 पन्ना कर लिया मैं, अच्छा 10 नहीं, गलती से ज़्यादा हो गया,
चलिए नो प्रॉब्लम, कौन सा पैसा लग रहा है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे आया, प्रिंट पे क्लिक किया, अब आ गया। ऑल पेज पे करूँगा तो टोटल 24 पन्ना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटर मेरे पास है नहीं, मैं प्रिंट करके दिखा नहीं सकता, लेकिन प्रिंट होगा कैसा, कैसे प्रिंट होगा वो मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑफलाइन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, एमएस वर्ड का अगर फाइल है, ठीक है, तब तो आप आज नहीं करेंगे, तो जब जैसे लाइट वाइट कर गया तो प्रिंटिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर का सुविधा नहीं है जी, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, तो लाइट आएगा तो प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड से तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करना है तब तो फंस गए जी, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आप पीडीएफ या एक्सपीएस के रूप में उसको सेव करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। फिर जब लाइट आएगा, चाहे कहीं भी पेन ड्राइव में रख लो, मोबाइल में रख लो, कहीं से भी प्रिंट करा लोगे, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए हम पीडीएफ या एक्सपीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक्सपीएस शो कर रहा है, ठीक है, मैं क्लिक कर दूंगा एक्सपीएस में, क्लिक कर दिया यहाँ पे आल पे, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया। अब प्रिंटर लगानी है कि प्रिंट होगा, तो जैसा प्रिंट होना था जितना पेज, वो सारा पेज मेरे कंप्यूटर में सेव करके रख देगा, ठीक है। तो सेव करके रखना है तो नाम बताना पड़ेगा, तो मैं नाम बता देता हूँ प्रिंट, ठीक है, डेस्कटॉप पे रख दिया, ठीक है। मैं ऑल पेजेस किया था तो 24 पन्ना है टोटल, 24 पन्ना सेव होना चाहिए ना यार, 24 पन्ना तो सेव हो जाएगा, हमको पता कैसे चलेगा। हमें पेज नंबर इंसर्ट करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं किया, ठीक है, मेरे से भूल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं जी। इधर पेज नंबर दिखा रहा है कि टोटल 24 पेज है ये, ठीक है। तो ये है आल पेज का कमाल, आल पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आल पेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, करंट पेज। करंट पेज का क्या मतलब है, करंट पेज का मतलब ये है कि मेरा कर्सर जिस पन्ने पे है वो पन्ना को प्रिंट कर दो। मेरा कर्सर अभी 7वें नंबर पेज पे है ना, इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट करने से पहले मैं पेज नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ। पेज नंबर इंसर्ट कैसे किया जाता है आपको बताया जाएगा आगे, इंसर्ट मेनू में है वो, ठीक है। मैं पेज नंबर इंसर्ट कर ले रहा हूँ ताकि पता तो चले, ठीक है, क्लोज कर दिया, हो गया पेज नंबर इंसर्ट, ठीक है, हो गया है, दिखाऊं, ये देख लेना, अरे यार ये देख लो है। अब 7वें पेज नंबर पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे भी बता रहा है 7वें पे है, ठीक है। तो मैं दबा दिया कंट्रोल पी और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। करंट पेज पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। अब प्रिंट नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है, आ गया यहाँ पे, ये देख लीजिए पेज नंबर 7वां दिख रहा है, मतलब सच में 7वां ही प्रिंट हुआ, राइट। ये चीजें आपको समझ में आ गया, आगे चले जी। आगे इसका कहानी क्या है, आगे का कहानी ये है कि पेजेस, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि एक से लेकर के 10वां प्रिंट करना है, या फिर 10वां मान लीजिए नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 10वां प्रिंट करना है, फिर 12वां प्रिंट करना है, फिर 50वां प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, 10वां लिखूंगा कॉमा 12 कॉमा 50, तो पेज है नहीं है तो मैं 50 डाल नहीं सकता, 24 पेज है तो डाल देता हूँ 24, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कॉमा एक एक पन्ना अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आप प्रिंट कर लोगे, ठीक। देखते हैं जी प्रिंट करके, 10 12 24 यही है ना, याद रखना, डबल आई कर दिया, ये देखिए, देखते हैं 10 12 24 है कि नहीं, 10 है 12 है 24 नंबर पेज है, ठीक। आप ऐसे कर लोगे एक एक पन्ना प्रिंट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि 10वां तो हो, 12वां भी पेज हो, लेकिन और 24 भी हो, नहीं नहीं 24 नहीं चाहता मैं ये चाहता हूं कि 12 है ना,
अब 15 से लेकर के आखिरी तक, ठीक है, 15 नंबर पन्ना है उसके आखिरी तक सारा प्रिंट हो जाए, मतलब 24 तक, ठीक है। तो क्या करूंगा, फिर से कॉमा दूंगा और फिर क्या करूंगा, 12वां है, 15 से बोला ना, 15, ये माइनस का साइन देना या डैश कर लो, इसे जो कर लो आप, माइनस का साइन देना, फिर कर देना आखिरी पेज 24, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि 10वां प्रिंट करो, 12वां प्रिंट करो और फिर 15 से लेकर 24 तक, ठीक है। आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो यार, चलिए हो गया प्रिंट, देखते हैं कितना सच्चाई है इस बात में। 10वां है, 12वां है, 15वां है, आप 16, 17, 18 पूरा होगा 24 तक, ये देखिए है ना, तो ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, मैं चाहता हूं कि 24 नंबर पन्ना प्रिंट हो और 20 नंबर प्रिंट हो, क्या करना चाहिए बताइए जरा। 24 प्रिंट करना चाहता हूं और 20 प्रिंट करना चाहता हूं, 24, 20, 24। क्यों मैं 24, 20 करूंगा तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 24 और 20 निकले, होगा नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए जी, हमारा मर्जी, हमारे मन से कंप्यूटर को काम करना चाहिए। क्या कह रहे हो, ये देख लो, 24 पहले प्रिंट किया फिर 20 कर दिया, कैसे प्रिंट करो, प्रिंट वा हो ही जाएगा, काम चलिए जाएगा। लेकिन ये आड़े टेढ़े सवाल वाइवा में लोग पूछ लेते हैं कि जी 20 को पहले ना करके मैं बाद में प्रिंट करूंगा तो प्रिंट होगा या नहीं, ठीक है। तो बोलना सब कुछ होगा सर, आपका कैपेसिटी देख लीजिए, आपको क्या करने का क्षमता है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, होने दो यार, चार्ज में लगा के करेंगे, ठीक है। जब वार्निंग देगा कि हाँ जी हम अब चल गए तो फिर लगाएंगे चार्ज में, अभी तो चल रहा है ना, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, ऑल पेज करंट पेज पेजेस। अब आते हैं कॉपी, अब नंबर ऑफ कॉपी का क्या मतलब, मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं तो पहले बंद कर देता हूं, ठीक है, नो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जो ये है, ठीक है, इसका 10 कॉपी निकल जाए, ठीक है। तो क्या करूंगा, बहुत आसान है, 10 यहाँ पे लिख के मार दूंगा ओके पे, प्रिंट हो जाएगा 10 कॉपी, ठीक, ये तो बड़ा आसान है जी, ठीक है। क्या चीज, नहीं नहीं देखिए ये पेजेस है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ कॉपी है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि ये जो कॉपी है ना, प्रिंटिंग तो करना है लेकिन कितना कॉपी प्रिंट करना है, ठीक, उसका नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो देते हैं ना 24-25, वो ये देते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो 24वां नंबर पेज है, हाँ, जैसे मान लीजिए 24वां प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 24 लिखा लेकिन इसका मेरे को कितना चाहिए, 10 कॉपी, यहाँ पे 10 कॉपी लिख दिया, ठीक है, यही था ना, हो जाएगा। यार मैं भूल गया था, अब याद आया कि 20 से लेकर के 12 को भी कर दूँ, ठीक है। अब क्या मतलब, 24 भी प्रिंट होगा, 20 भी प्रिंट होगा, 12 भी प्रिंट होगा, लेकिन कितना कॉपी, यहाँ पे बता रखा है मैंने कि 10 कॉपी करो, तो 10 कॉपी कर देगा, ठीक, कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छा, आप तो लोग तो ज्ञानी आदमी है जी, जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन और है यहाँ पे, ठीक, क्या ऑप्शन है, कलेक्ट का, ठीक है। तो कलेक्ट का क्या काम है, ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना,
जैसा आइकन दिख रहा है आपको काम आइकन वैसा ही है कलेक्ट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कि जो पेज नंबर वन है वो आपका दसवीं का मार्कशीट है, ठीक। पेज नंबर जो दो है वो बारहवीं का मार्कशीट है, और जो पेज नंबर थर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो आधार कार्ड है, ठीक। मान लिया आपने, मान लिया ना, नहीं माने, हाँ ठीक है, मान लो। अब क्या करना है आपको, इसका दो कॉपी आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे लिख दिया दो, ठीक है। इस वाले को ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। अब दो यहाँ पे डाल दिया नंबर, ठीक है, दो कॉपी प्रिंट करना है, तो एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है, ठीक। एक कॉपी जो है आपको जमा करना है कॉलेज में, ठीक, और एक कॉपी जमा करना है कंप्यूटर सेंटर में, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं। अब आगे का कहानी ये है कि अगर कलेक्ट पे बिना क्लिक किए और आप प्रिंट करते हैं तब क्या होगा, पहले दो कॉपी दसवीं का निकलेगा, दो ठो दिख रहा है ना, एक एक माने दसवीं का दो कॉपी निकलेगा, उसके बाद बारहवीं का दो कॉपी निकलेगा, उसके बाद आधार कार्ड का दो कॉपी निकलेगा, ठीक। बारी बारी से एक एक डॉक्यूमेंट आपका दो दो कॉपी निकाल के दे देगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक कॉपी दसवीं बारहवीं आधार कार्ड अलग निकाल के रखेंगे और फिर एक एक कॉपी अलग अलग करेंगे और स्टेपल मारेंगे, ठीक, यही करेंगे ना। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब कलेक्ट पे क्लिक कर क्लिक नहीं किया रहेगा, ठीक। लेकिन कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पहले एक कॉपी दसवीं का निकालेगा, फिर एक कॉपी बारहवीं का निकालेगा, फिर एक कॉपी आधार कार्ड का निकालेगा, ठीक है। एक एक कॉपी पहले निकालेगा, मतलब एक सेट पहले निकाल देगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉपी निकालेगा तो इस पे आएगा, फिर एक सेट निकाल देगा। तो अब क्या होगा, आपको अपने से सेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक। एक कॉपी जब निकालेगा, एक सेट, एक कॉपी नहीं, एक सेट जब निकाल देगा, ठीक है, दसवीं बारहवीं आधार कार्ड तो आप स्टेपल कर देंगे, फिर एक कॉपी जब निकालेगा तो फिर उसको स्टेपल कर देंगे, मतलब आपको सेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक, अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन कब, जब कलेक्ट पे क्लिक होगा तब। कलेक्ट पे अगर आप क्लिक नहीं किए हैं तो फिर मनमन्ना निकाल देगा फिर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा तो आप बाद में कभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे आप कभी किताब जैसा प्रिंट करना चाह रहे हैं, बुक्स, ठीक है, बुक्स प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। बुक्स प्रिंटिंग में और इस प्रिंटिंग में क्या अंतर है जी, अंतर तो कुछ नहीं है, बस छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है कि दोनों साइड प्रिंटिंग होता है किताब, ठीक है। मान लो जी हम थोड़े से कंजूस आदमी हैं, पन्ना बर्बाद नहीं करना चाहते, क्या करेंगे, दोनों साइड पन्ने का प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो क्या एक कॉपी प्रिंट करूंगा, फिर उसको पलट के डालूंगा, फिर एक ठो निकलेगा एक पन्ना, फिर दूसरा डालूंगा, फिर पलट के डालूंगा, फिर दो कॉपी निकलेगा, ऐसे सेट करूंगा, मतलब क्या होगा, एक एक पन्ना प्रिंट करने पड़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, पलट एक एक पन्ना पलट पलट के प्रिंट करना पड़ेगा। तो ऐसे करने में हमारा पूरा समय बीत जाएगा, जितना का बचत नहीं करेंगे उतना हमारे जेब से चला जाएगा समय, ठीक। तो क्या करने का, एक इसका सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। क्या सॉल्यूशन निकालने का, कि एक बार एक साइड पूरा प्रिंट कर दो, फिर क्या करेंगे, फिर एक साइड जब पूरा प्रिंट हो जाएगा, जैसे 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो एक साइड 50 पन्ना प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, एक ही बार में, फिर उस पन्ने को पलट करके 50 पन्ना एक बार डाल देंगे, दूसरे साइड पूरा 50 निकल जाएगा, 50 50 100 निकल गया एक दोनों साइड, ठीक। लेकिन ऐसा प्रिंट कैसे करेंगे, बहुत आसान है जी, ऐसे यहां पे अगर सिलेक्टेड है ऑल पेज इन रेंज तो सारा पन्ना प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन ऑड पेज पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वही पेज नंबर प्रिंट होगा जिसका ऑड नंबर है, ठीक। जैसे ऑड नंबर 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 5 के बाद 7 होगा, उसके बाद बाकी बाकी जो भी ऑड नंबर जितना है, जो विषम संख्या का है पेज नंबर, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, जो विषम संख्या उन सबको प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो सम संख्या है इवन पेज नंबर है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमको किताब जैसा प्रिंट करना है तो क्या करेंगे,
सबसे पहले पहला पन्ना प्रिंट करेंगे पहला बार में ना, तो पहला में एक आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे पन्ना का तीसरा आ जाएगा, ठीक है, तीसरा क्या आएगा ना भाई, एक पन्ना सामने बैक साइड दूसरा आएगा, फिर दूसरे पन्ना का फ्रंट जो है वो तीन हो जाएगा, दूसरे पन्ना का बैक साइड फोर हो जाएगा, तीसरे पन्ने का फ्रंट जो है फाइव हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ऑड नंबर को पूरा प्रिंट कर देना, ठीक है, तो सारे पन्ने के एक एक साइड जो है ऑड वाला निकल जाएगा, फिर पन्ना पलट के डाल देना और सारा इवन पेज प्रिंट कर देना, ठीक है, मतलब क्या होगा, पन्ने के दोनों साइड प्रिंट हो जाएगा, बस हमें दो बार प्रिंट करना पड़ेगा पलट के डाल के, ठीक, मतलब प्रिंटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक, समझ में आ गया जी, नहीं आया समझ में, आ गया पक्का, भूलना तो नहीं, मेरे जाने के बाद मेरा बेइज्जती तो नहीं कराओगे कि भूल गए, ठीक है, हाँ। इसका सवाल ले क्लास खत्म होने के बाद में दूंगा, ठीक, ठीक है, इसका आंसर मैं क्लास खत्म होने के बाद दे दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, और भी ऑप्शन है लेकिन इसका जरूरत पड़ता नहीं है, पूछ लेना आप एक बार, एक्सपेरिमेंट करके देखना, पूछ लेना समझ में ना आए तो, लेकिन जो जरूरत वाला था वो मैं बता दिया टोटल, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब एक ऑप्शन है, ऑप्शन का ये जो ऑप्शन है ना, ये वर्ड ऑप्शन एडवांस वाला जो है ये, इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं जनरली आखिरी में बताता हूँ। आप क्या काम करना, एक एक बार इन सबको एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, जो समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। एक चीज आपको बताऊं मैं, जो चीजें आप खुद खोज करके सीखे रहोगे, ठीक है, वो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, और जो चीजें आपको दूसरा कोई बताएगा वो भूलना आसान होता है, इसीलिए सामने वाले के ऊपर डिपेंड रहने से बेहतर आप खुद से स्टडी कर लो, ठीक है। आप जो खुद से खोज के पढ़ोगे ना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो जो याद होगा वो हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट इसमें करना, ठीक है, परीक्षण करना किस ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है, जो समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब प्रिंटिंग तो जी खत्म हो गया, इस पे आ जाएं। ये जो ऑप्शन है जी किसी काम का तो उतना मुझे कुछ खास लगता नहीं, ठीक है, एक दो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी हो गया। अब गाना का प्रॉपर्टी देखते हैं ना, गाना का, वीडियो का प्रॉपर्टी मोबाइल में, जैसे गाने का प्रॉपर्टी या वीडियो का प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या पता चलता है, गाने का नाम क्या है जी, ठीक है, गाना का साइज क्या है, कितना MB में है या कितना GB का वीडियो है, मूवी है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे ऑथर पूछ रहा है तो मेरे कंप्यूटर का जो यूजर नेम है वो यहाँ आ गया, डॉक्यूमेंट का मैं टाइटल दे दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट में किस पर्पज से बनाया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टडी पर्पज, सब्जेक्ट में बता दूंगा जी MS वर्ड पढ़ा रहा था उस समय पे, कीवर्ड मैं क्या क्या पढ़ाया उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं कुछ कर दूंगा, लिख दूंगा, कैटेगरी मैं पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन के रिलेटेड कैटेगरी है या सब्जेक्ट के रिलेटेड में डालूंगा तो MS ऑफिस डाल दूंगा, स्टेटस कंप्लीट पढ़ा चुका या नहीं क्या स्टेटस है डॉक्यूमेंट वो डाल दूंगा, कुछ टिप्पणी लिखना है अगर इस डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है, कब बनाया, कहाँ बनाया, मैं क्यों बनाया, किस वर्ष बनाया, कुछ लिखना है डॉक्यूमेंट के बारे में तो यहाँ मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड यहाँ पे मैं कुछ चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इंस्पेक्ट करता है मेटा डेटा, ठीक है, ये मेटा डेटा के रिलेटेड बताता है, पर आपको जान करके कुछ हो नहीं है अभी इसका, ठीक है, जरूरत इसका पड़ता नहीं, जनरली ऑपरेटर्स इसका इस्तेमाल तो करते नहीं, बट इट्स ओके। मेटा डेटा का मतलब ये है कि कुछ ऐसा डेटा अबाउट डेटा, मतलब मेटा डेटा मतलब क्या, मतलब ये कि कोई भी डेटा है, ठीक है, लेकिन उस डेटा के बारे में जो डेटा है वो कहलाता है मेटा डेटा, ठीक। जैसे फोटो है, फोटो तो एक तरह का डाटा है ना भाई, फोटो एक तरह का जानकारी है, डेटा है, ठीक है, डेटा और जानकारी तो अलग अलग है पर मैं दोनों एक ही बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे फोटो एक डेटा है, देखा फोटो जी, हाँ ये बहुत अच्छा फोटो है, किसी सेंटर का है, पार्क का है, किसी चीज भी चीज का है, ठीक है। लेकिन अब फोटो का मेटा डेटा क्या होगा, तो फोटो कब खींचा गया,
किस लोकेशन से फोटो खींचा गया, कब खींचा गया, ठीक है, किस तारीख को खींचा गया, फोटो का साइज क्या है, ये सब कहलाएगा मेटा डेटा। ठीक है, तो वही मेटा डेटा वगैरह ये यहाँ से शो करता है, पर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये तो जरूरत का वैसे कुछ है नहीं कुछ खास। जैसे हेडर फुटर XMLs वगैरह, हिडन टेक्स्ट कुछ रखना है, कमेंट वगैरह, रिजर्वेशन वर्जन, ठीक है। काम का एक चीज है जो बता देता हूँ मैं, ये वाला एक क्या काम का है, एक काम का ये है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसमें मैं मेरा अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं जी, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, गूगल पे है, याहू पे है, हॉटमेल पे है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो मैं सबका पासवर्ड यहाँ पे लिख करके रखा हूँ, ठीक है। हमारा तो अकाउंट कहीं है नहीं फेसबुक, बाकी जगह पे, फेसबुक तो छोड़ दिए हम चलाना ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे गूगल कर दिए, गूगल का पासवर्ड समथिंग है, ठीक है, और याहू ऐसे लिखाता है ना, अरे गलतियों का तो हमारा बिगड़ेगा का, ये है याहू का पासवर्ड। ऐसे कुछ कुछ जो पासवर्ड है वो मैं स्टोर करके रख दिया हूँ, लिख के भूल जाता हूँ भाई मैं, ठीक है, तो लिख के रख लेता हूँ और सेव करने लगा इसको, ठीक है, लिख देता हूँ पासवर्ड डॉट doc, ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर दिया जी, ठीक है, हो गया सेव, अब यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। अब किसी दूसरे को मैं कंप्यूटर दिया, मैं यहाँ कहीं चला गया, ठीक है, लंच वगैरह के लिए चला गया, कंप्यूटर को ऐसे छोड़ के या फोन वगैरह पे बात करने लगा, ठीक है, तो मेरा कोई और काम करते हैं जो मेरे साथ में थोड़े से मेरे से जलन भावना रखते हैं, या फन के लिए या परेशान करने के लिए, देखा यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है, वो तो देखा तो खुशी से पागल हो गया कि जी बहुत बढ़िया मौका मिला है, इसका सारा पासवर्ड रख लो, डबल क्लिक मारेगा यहाँ पे देख लेगा, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना, कि कोई भी आए डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करके पासवर्ड देख ले, ये तो गलत बात है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें पासवर्ड डाल देंगे, कैसे डालेंगे जी, यहाँ पे आएंगे, ये जो है ना इनक्रिप्ट वाला डॉक्यूमेंट, इस पर हम कर देंगे क्लिक, फिर यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5, मैं बोल बोल के डाल रहा हूँ, आप बोल बोल के मत डालना नहीं तो सुन लेगा, ठीक है, अब कर दो यहाँ पे ओके, ठीक। फिर से पूछने लगा कि भाई साहब दोबारा तुम बता दो, मैं बोल दिया याद है मेरे को, बता दिया क्या डाला था, 4 तक था ना, 5 तक था, ओके कर दिया, ये सेव हो गया, नो क्यों, नो न्यू नहीं किया, हाँ सेव पे क्लिक कर दिया जी, ये सेव हो गया। अब मैं इसको आया दूसरा ऑपरेटर, वो फिर से खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अब मैं एडवांस हो चुका हूँ, ठीक है। अब डबल क्लिक किया, पासवर्ड मांगने लगा, अब तो रोने लगा, बोला बहुत नाइंसाफी है, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, कुछ ट्राई करता है, मेरा नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर की, यही हो सकता है कि डाला होगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड तोड़ा इसी जाता है, ठीक है, नाम डाल दे, मोबाइल नंबर डाल दे, कुछ ऐसी पासवर्ड डालेगा ना, ट्राई करते हैं डाल के, खुल जाएगा तो फिर खुशी से पागल हो जाएगा, फिर देखा हैक कर दिया तेरा पासवर्ड, ठीक है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मैं और हाईटेक आदमी हूँ, तो 1 2 3 4 5 डाल दिया था, पासवर्ड ये भी मत डालना, नहीं तो ये भी लोग गेस कर लेते हैं कि हो सकता है कि डाला होगा, ठीक है। पासवर्ड मांगा, गलत पासवर्ड डालेगा तो खुलेगा नहीं, एमएस वर्ड बोलेगा जी हम आपको नहीं बताएंगे, आप कोई दूसरे आदमी हैं, फिर मैं सही पासवर्ड डालूंगा, ये खुल जाएगा, ठीक, बड़ा काम का चीज़ है ना। चलो अब मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड को हटा दूँ, ठीक है, कैसे हटाऊँगा, इधर पे आऊँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, ये देखो पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा, कैसे हटाऊँगा, ऐसे हट गया ना, बड़ा आसान है जी, ओके कर दिया इसको मैं सेव, कंट्रोल से सेव किया हूँ, आपको पता नहीं चला, और कर दिया क्लोज। अब इसमें डबल क्लिक करूँगा तो अब खुल जाएगा, अब पासवर्ड हट गया, ठीक। तो ये है इनक्रिप्शन, ये हो गया, ये सेंड करने का है, ईमेल से भेजना चाहते हो या फिर ईमेल को, इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में ईमेल पे अटैच करना चाहते हो या
ईमेल एज XPS, मतलब XPS के रूप में इस फाइल को ईमेल में भेजना चाह रहे हो, अटैच करना चाह रहे हो, इंटरनेट फैक्स, पर इसका इस्तेमाल जनरली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग फाइल सेव कर देते हैं और फिर गूगल ओपन करते हैं और वहां से लॉगिन करके भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो यहां से सेंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्लिक करेंगे तो ईमेल नहीं खुलेगा, एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आता है आउटलुक का, उसमें आप लॉगिन किए रहेंगे तो खुलेगा, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट क्लोज करने का, पब्लिश ये आपके काम का अभी मेरे को लगता नहीं है कि है, ये है क्लोज, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, ये पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए या वाइवा में पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने का शॉर्टकट बटन बताइए, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन एग्जिट नहीं होगा, एप्लीकेशन को एग्जिट करना है तो क्या बताया था, भूल गए बताओ, अल्ट एफ फोर, ठीक, ये तो ऐसे ही और भी क्लियर, ठीक, इतना पूरा क्लियर, ठीक है जी, हमारा काम खत्म हो गया। आप चाहें तो प्रैक्टिकल अब कर सकते हैं।